नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज के सर्वे में हमने आपसे बात की कनेक्टिंग गुरुग्राम विद एंकर मनप्रीत में। हमने आपसे बताया, आपको बताया गया उसमें साफ शब्दों में कि अभी तो सिर्फ स्टूडियो से जो है सर्वे चल रहे हैं, अब हम उतरेंगे धरातल पर और धरातल पर जानेंगे कि किस पार्षद ने कितना काम किया है, क्या लोगों का समर्थन साथ में है या नहीं, क्या आरोप लग रहे हैं, क्या प्रत्यारोप है उनके ऊपर। डायरेक्ट उनसे जानकारी लेने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो लगातार आरोप चल रहे हैं वार्ड नंबर 14 के पार्षद संजय प्रधान के ऊपर। तो आज हम उन्हीं के वार्ड में मौजूद हैं, देवीलाल नगर में मौजूद है, इसी पार्क में मौजूद है, शहीद उद्धम सिंह पार्क में मौजूद है और यहां पर उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लगातार जो आरोप लग रहे हैं उनके पीछे की सच्चाई क्या है, उनका वर्जन जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्या ये सारे आरोप सच हैं या नहीं। आइए बात करते हैं पार्षद साहब। कुछ लोगों के आरोप है कि लगभग 100 करोड़ का काम हुआ है आपके वार्ड में, जिस तरीके से आपका कहना है, पर धरातल पर देखें तो कुछ नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो मैं क्या कहूँगा, ये तो वार्ड की जनता बताएगी और आप वार्ड में खुद घूम के देखिए। कुछ चंद लोग हैं जो चंद गलियों में 100 करोड़ रुपया कभी भी एक गली के अंदर नहीं लगता। और मैं कभी भी एक कॉलोनी या एक गली की बात नहीं करता, मैं वार्ड पूरे वार्ड की बात करता हूं। आप वार्ड के 14 नंबर वार्ड के अंदर 2 सेक्टर और 5 कॉलोनियां हैं। आप सही जगह जाइए और जाके देखिए क्या धरातल पे काम हुआ है या नहीं हुआ है, वार्ड की जनता बताएगी। ऐसी कोई सड़क, ऐसी कॉलोनी या ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हमने काम नहीं किया। वार्ड की जनता इस चीज़ को आपको क्लियर कर देगी। आप वार्ड में घूमोगे तो आपको पता भी लगेगा कि काम हुआ है। हाँ, कुछ लोग अगर अपने इंडिविजुअल काम के लिए कहते हैं काम नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं बिल्कुल कहूँगा काम नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो मनमानी थी वो नहीं हो पाई। उनको जो अपनी पर्सनल सुविधाएं चाहिए थी वो उनको नहीं मिल पाई, लेकिन आम जनता की जो सुविधाएं थी, आम जनता के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उसके लिए हमने अपने 5 साल में भरतक प्रयास किया है और आज गुड़गांव के टॉप वार्ड में हमारा नाम आता है। इस चीज़ की सर्वे आप हमारे वार्ड में जाके कर सकते हो, वार्ड की जनता से पूछ सकते हो, जनता बताएगी कि हमने काम किया है या नहीं किया है। तो जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है? बिल्कुल, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोप पर कोई आधार नहीं है, निराधार वो आरोप हैं। वो सिर्फ चंद लोगों को एक मतलब ये कहूँगा कि पर्सनली कह के उनसे कहवाया जा रहा है। ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हुआ ऐसा दिख रहा है। तो आप जाओगे जनता के बीच में तो आपको पता लगेगा। तो सर क्या कहना है, क्या काम क्या हुआ है अभी वार्ड में आपके? देखिए जी, काम पूरे देवीलाल कॉलोनी के अंदर, कोई भी गलियां आज की डेट में कच्ची नहीं है, सारी गलियों को हमने इंटरलॉकिंग से पक्का कर दिया है। पानी की सुविधा 24 घंटे पानी, शायद गुड़गांव की कुछ ही कॉलोनियां हैं जहां पर 24 घंटे पानी मिल रहा है, हमारी कॉलोनी के अंदर 24 घंटे पानी है। वार्ड में सिर्फ दोनों सेक्टरों को छोड़ के टोटल जितनी कॉलोनियां सब में 24 घंटे पानी है, चाहे वो सूर्य विहार हो, चाहे वो फिरोज गांधी कॉलोनी है, चाहे अम्बेडकर कॉलोनी है, चाहे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, चाहे वो देवीलाल नगर है। सेक्टर में हम टाइम से पानी देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हुड्डा का सिस्टम चला आ रहा था उसके अनुसार पानी दिया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट का आप देख लो, पूरे रात के समय जब आप वार्ड में घूमोगे आपको सारे गलियां एकदम चकाचक नजर आएंगी कि वाकई में ऐसा लगता है कि भाई कहीं हम किसी एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो मूलभूत सीवर की समस्या कोई नहीं है, जहाँ जहाँ समस्याएं थी, जिन जिन गलियों में सीवर की दिक्कत आती थी वो हमने सारी दुरुस्त कर दी है, नई लाइनें हमने डाल दी हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी इसी गंदगी के ढेर थे वो सारे ढेर खत्म कर दिए गए हैं। कुछ लोग आप झूठे आरोप लगाते हैं, देखो विपक्ष का काम तो बोलना होता है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे वार्ड की जनता जानती है कि हमने काम किया है और आने वाले समय में जब चुनाव आएगा तो इस चीज़ का जनता जवाब जरूर देगी। जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं काम नहीं हुआ काम नहीं हुआ, ये तो नगर निगम के अधिकारी जानते हैं, वार्ड की जनता जानती है कि वार्ड में कितना काम किया गया है। जो आरोप लगाने वाले जो नेता हैं उन पर भी एक बात कहना चाहूँगा, भी बात सुनी, 4 लाखों से लोग अपने पर्सनल बुलाए, उनसे बात कहवाएगा जी। अगर किसी को किसी प्रकार की शंका है तो मैं ओपन डिबेट के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आपके चैनल के माध्यम से या किसी और भी पटल से अगर मेरे सामने बैठ के, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा कि कितना पैसा कहाँ लगाया गया है, कहाँ नहीं लगाया गया है। जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद आरोप है, बिल्कुल मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, किसी भी मंच पर, खुले मंच पर आके मैं बैठ के उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। सर आपका नाम? धर्म सिंह। धर्म जी, कब से वार्ड नंबर 14 में रह रहे हैं आप? मतलब जी बहुत पहले से रह रहा हूँ, ये वार्ड बड़ा नहीं तो उससे पहले से रह रहा हूँ, 93 से रह रहा हूँ। तो क्या कहेंगे कि इस बार के पार्षद ने क्या कोई काम किया है? पार्षद ने तो वैसे बहुत अच्छा काम किया, यहाँ जितने भी में वो आए हैं हमारे नगर निगम के आदमी आए हैं या जिनने भी, लेकिन पार्क इसने ऐसा काम कर दिया यहाँ, ये पार्क के लिए ऐसा बना था, जो भी हमसे जिससे पूछते हैं भाई, हम तो अंदर सड़ रहे थे जी, हमारे लिए तो स्वर्ग बना दिया। इतने सुबह सुबह के हमें यहाँ मॉर्निंग वॉक मिल जाती है और अच्छी हवा मिलती है, पार्क में घूमते हैं तो हमारा शरीर ठीक रहता है, हम अच्छे तरह से वॉक कर रहे हैं।
तो क्या कहेंगे, चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं, तो क्या दोबारा से संजय प्रधान को आप दोबारा से देखना चाहेंगे पार्षद के रूप में? देखो जितना इन्होंने काम किया, जितना इनका मनोबल है जी, उससे आपको देखते हम चाहते हैं कि हम दोबारा ये बने और दोबारा आए, उससे और बेहतर काम करके दिखाएं। अभी क्या लगता है, क्या रह गया है, आपकी मांग क्या है, क्या देखना चाहते हैं आप अपने वार्ड में? अब और जो हमारी मांग थी वो तकरीबन इन्होंने पूरी की है जी। कभी कभी इसका था जो रोड वगैरह का था, तो ये करंट कंक्रीट का रोड बनवा दिया है और बढ़ा भी दिया है जी। पहले छोटा था जी, अब और बढ़ा दिया, तो लोगों की समस्या, ये मेन रोड हो गया, आने जाने का बहुत यहाँ वो रहता है, भीड़ बहुत रहती जी, है जी। तो चौड़ा मकान होगा तो चौड़ी जगह होगी तो आदमी खुला उसमें जाएगा है। और इन्होंने जो जो हमने जो इसकी समस्याएं रखी थी, लाइट की, बिजली की, पानी की, इनको इनको कहते कहते बाद काम हो जाता है हमारा, हमें कोई परेशानी नहीं हुई आज तक। सर आपका नाम? ताराचंद। ताराचंद जी, अभी हम जिस लोकेशन पे हैं, क्या कहना चाहेंगे, पहले यहाँ के हालात क्या थे? मैं 2016 में यहाँ आया था, 2016 में यहाँ बिल्कुल जो है जंगल था जी, गंद पड़ा हुआ था। और अभी जो है जो सड़क आप देख रहे हो वो आपके सामने है, और जो इन्होंने मेहनत करके जो बनाया है, मतलब इतना यहाँ की पॉपुलेशन आप देख रहे हो, सारी सांस ले रही है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी को बिल्कुल। फिर जब से मतलब ये बने हैं, पानी कभी नहीं बंद हुआ, कॉलोनी में पानी बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, लाइट प्रॉपर आ रही है, सीवर पानी की सफाई होती है सीवर की, तो कोई ऐसा समस्या मुझे नहीं लगता भाई यहाँ पे। बाकी कम्युनिटी सेंटर का था वो टूट गया, नहीं तो बाकी ये भी काम कर दिया था। तो अगली बार क्या दोबारा से संजय प्रधान को देखना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएंगे, देखना नहीं चाहेंगे, जिताएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम कैप्टन रामचंद्र, आर्मी सेक्स जी। तो कैप्टन साहब आपसे जानना चाहेंगे कि कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं, क्या वार्ड के हालात, इस बार जो 5 साल का कार्यकाल रहा है संजय प्रधान का, क्या उन्होंने कोई काम किया है? काम बहुत अच्छे किए हैं, सराहनीय काम किए हैं। मैं 1995 में यहाँ पर अपना रेजिडेंस बनाया था, यहाँ आने जाने के साधन बिल्कुल नहीं थे, कचरा, पानी, गड्ढे, नाले, हर प्रकार की असुविधाएँ थी, न पानी की सुविधा थी, न बिजली की थी, न कोई पार्किंग था, न रोड था। इनके धीरे धीरे इनने जब से अपना कार्यकाल संभाला है संजय प्रधान ने, तब से दिन दुगनी रात चौगनी इस देखने में आया है, स्वर्ग बना दिया है। आप ये देखेंगे कि हाँ, पहले के हालातों को देखते हुए ये नरक से अब स्वर्ग बना है, ये संजय प्रधान को श्रेय जाता है इस चीज़ का। आपका नाम? राकेश कुमार। राकेश जी, वार्ड नंबर यहाँ किस एरिया में अभी आप रहते हैं? देवीलाल नगर में। देवीलाल नगर में जी। तो आप हमें बताएं कि क्या आप पार्षद के कामों से संतुष्ट हैं? हाँ जी, पूरा काम करवाया है, हम सब उससे काम सारे संतुष्ट हैं, बहुत काम करवाया हमारे कॉलोनी के अंदर, वार्ड नंबर 14 में सारा काम करवाया। सर आपका नाम? बोरा जी यादव। कहाँ पर रहते हैं आप? इधर देवीलाल कॉलोनी में। क्या कहेंगे, वार्ड में अभी कोई काम आपको लग रहा है कि हुए हैं? काम बहुत अच्छे हुए हैं जी यहाँ पर, अब तो बहुत ज़्यादा अच्छे काम हो गया, संजय प्रधान ने अच्छे काम करे। तो क्या कहेंगे, अगली बार देखना चाहते हैं उनको पार्षद के रूप में? हाँ जी, अच्छा बंदा। सर आपका नाम? मेरा नाम गोविंद कौशिक है। गोविंद जी, कहाँ पर रहते हैं आप? हम देवीलाल कॉलोनी में रहते हैं। क्या कहेंगे देवीलाल कॉलोनी के बारे में, क्या आपके पार्षद ने यहाँ पर कुछ काम करवाया है? हाँ, बहुत कुछ काम हुआ पहले से। तो क्या काम हुए हैं? जैसे कि रोड, गली, पानी और पार्क बन गई है। यहाँ पे घूमने फिरने के लिए कोई जगह नहीं थी देवीलाल कॉलोनी में, अब घूमने के लिए यहाँ पे पार्क शुद्ध हवा है। तो अगली बार क्या उनको आप दोबारा पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं? हाँ जी, देखना चाहते हैं। क्या मांग है आपकी, क्या कुछ और वार्ड में हो सकता है? वार्ड में अभी थोड़े बहुत काम जैसे कि नए नए होते ही रहते हैं, रोड जैसे कहीं कहीं से जो पुराने वो हो गए वो दोबारा रिपेयरिंग करवाएंगे, बाकी पूरे रोड हो ही चुके हैं। आपका नाम? कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 20 साल हो गए। तो क्या वार्ड में कुछ काम हुए हैं? वार्ड में हुआ है काम, सड़क वड़क रोड वोड बनाए हैं, पानी वानी की व्यवस्था सब सही है। और अभी जो पार्क में आप बैठे हैं, क्या कहेंगे ये पार्क के बारे में? पार्क सही है, बना है, सबको लिए बना है, अच्छा है पार्क, संजय प्रधान जी ने बनाया है, सही है। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं, मेरे ससुराल अड़तालवर है, देरी रहते हैं देवीलाल में ही तो जी। हाँ, अच्छा हुआ, गंद मिट गया है ना, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा तो बन गया पार्क। पार्षद ने अभी कोई काम? हाँ, सारे काम करे, कर ही रहा है सारा काम, पार्षद ही कर रहा है, और कौन कर रहा है, देवीलाल में रहते हैं। तो पहले क्या हालात थे यहाँ पर ये पार्क? पहले तो गंदी था यहाँ पे,
हालात तो गंदे ही थे पहले, तो लोग वैसे ही मार के पटक जाते थे, सब ऐसे ही होता था सब जी। तो अभी काफ़ी फर्क लगा? हाँ, सब बढ़िया हो रहा है। सर आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रोहता सिंह लांबा है, मैं एक्स वाइस प्रेसिडेंट सेक्टर 9 3 बार रह चुका हूँ और मेरा रेसिडेंस हाउस नंबर 903 सेक्टर 9 है। सर क्या कहेंगे कि अभी वार्ड पार्षद ने क्या कोई काम करवाए हैं वार्ड नंबर 14 में? वार्ड पार्षद ने आपके सामने है पार्क, देखो पार्क ऐसा पार्क है मैंने गुड़गांव में कहीं नहीं देखा, इतनी हरियाली, इतने साफ सुथरे, पॉल्यूशन फ्री है, पर्यावरण के लिए अच्छा, सेहत के लिए अच्छा, और जो रहस है बगल उनको शुद्ध हवा मिलती है जी। तो पहले क्या हालात थे यहाँ? अरे पहले तो यहाँ सुअर और ये कटड़े बछड़े सब मरे हुए इधर पड़े रहते। मैं यहाँ 2003 में आया था जी, यहाँ जितनी बुरी हालत थी ना, गंदा पानी इकट्ठा, मच्छर मक्खियाँ और बुरी हालत थी। हमने काफ़ी कोशिश किया, MLA तक को बुलाया जी जी, वो बोला नहीं आप पैसे इकट्ठा करके जाली लगवा दो। अच्छा, हमने पैसा इकट्ठा किया, जाली लगवाई, लेकिन अभी पार्षद ने एक नंबर का काम कर रखा है, आदमी का जी लगता है, हरियाली हरियाली। पार्क की तो बात है, और देवीलाल कॉलोनी में कोई काम हुआ है देवीलाल में? मैं तो पूरे सेक्टर 9 में रहता हूँ जी, तो 9 की बताइए। 9 में तो 70 रोड बना रखे हैं जी, 70 रोड बन रहे हैं, बढ़िया काम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसा पार्क से तो मेरा तो दिल खुश हो जाता है, सभी का खुश होता होगा, मेरा क्या, आपका भी हो रहा होगा। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 14 के पार्षद संजय प्रधान। धरातल की खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि अगर यहाँ पर भी आपके वार्ड में भी आरोप प्रत्यारोप का यही सिलसिला चल रहा है तो धरातल पर जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है आपको दिखाने का जरूर प्रयास करेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें आपके अपने चैनल वायरल सच के साथ।